कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, खाद्य तेल के बाजारों में आज लोकल मिलों में कैसी कीमतें चल रही हैं, आज विदेशी बाजारों में और घरेलू मार्केट में कैसे कामकाज और ट्रेंड देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस चीज की जानकारी देंगे खबरों में आगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बाजारों में क्योंकि नवमी है, आज राम नवमी है और कल दशहरा है, तो जो मेजर मार्केट है वो अभी नहीं खुली है, मेजर मार्केट भी बंद है। कल बाजारों में ज्यादातर बाजार बंद रहेंगे दशहरे के त्यौहार की वजह से। तो एक सुस्त कारोबार घरेलू बाजारों में देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा अभी तेजी नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कामकाज देखा जा रहा है। विदेशी मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं तो मलेशिया स्टॉक बढ़ने से पाम पर दबाव है, लेकिन निर्यात में वृद्धि से मंदी भी सीमित हुई है। पाम में मांग बनी रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन जो तेजी है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। आवक सोयाबीन में कुछ घटी है और इसकी वजह से आने वाले टाइम में तेजी आने का भी अनुमान है। उल्टा जो देखा जाए सरसों का बाजार, तो इसमें भी बाजारों में स्थिरता दर्ज करी जा रही है, दैनिक आवक में गिरावट आई है, जिसकी वजह से सरसों के जो दाम है वो यहाँ से तेज हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान अभी कीमतों पर नजर नहीं आ रहा है। बात करते हैं आज के रेट के बारे में, तो लोकल मिल का जो बाजार है यहाँ पर वनस्पति में रेट 2020 है, 15 किलोग्राम का रेट है ये। पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 2030 है, एक लीटर पामोलिन में रेट 123 चल रहा है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 2015 है, एक लीटर सोया ऑयल में रेट 123 है। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 2160 है, एक लीटर फॉर्चून में रेट 143 देखा जा रहा है। बेस्ट चॉइस में रेट सोया रिफाइंड में एक लीटर का 116 है, पामोलिन में एक लीटर का रेट 116 है। बिनौला में रेट 10 किलोग्राम में 1260 है, सनफ्लावर में रेट 10 किलोग्राम में 1260 है, मूंगफली में रेट 10 किलोग्राम में 1450 बाजारों में देखा जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करते हैं, राइस ब्रांड में रेट 120 है, सोया ऑयल का रेट 128 है, सोयाडियो का रेट 126 है, मस्टर्ड में रेट 146 है, एक्सप्ला का रेट 144 है और पावली में आप यहाँ से 129 रुपए का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल अभी जो ट्रेंड है वो आपको यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, और क्योंकि बाजार अभी सुस्त है, बाजारों में स्टेबिलिटी भी है, स्थिरता भी है, तो बहुत ज़्यादा अभी एक तरफा गिरावट आने का अनुमान नहीं है, और क्योंकि त्योहारी सीजन चल ही रहा है तो डिमांड बाजारों में बनी रहेगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। सोयाबीन की आवक भी घटी है, सरसों की आवक में भी जबरदस्त गिरावट है, जिसका असर आपको कीमतों पर देखने को मिलेगा, तो बहुत ज्यादा गिरावट आप यहां से भी देखकर नहीं चल सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा जानना है कि आने वाले दिनों में कैसे कारोबार देखा जाएगा, क्या कीमतें देखी जा सकती हैं, या फिर आपको ऐसे में कैसे कारोबार करना चाहिए, तो उसके लिए आप मॉर्निंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर दिए गए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।